देखिए, एक तो इनका कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है, दूसरा इनके इस ग्रुप के पीछे ओरायन एंटरटेनमेंट जो जिस कंपनी का ये एक ब्रांड है, ये सारे इतने डिपेंडेबल लोग हैं कि ये जो भी प्रॉपर्टी करते हैं उनकी यू नो प्रोड्यूस की क्वालिटी से लेकर उनके सर्विस के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट था इनसे और भी कि आप प्लीज़ डिलीवरी ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज काला घोड़ा से बहुत टाइम लगता है। इट वर्क्ड, दे डिड डिलीवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, नाउ दैट इट्स हियर इन बांद्रा और मैं बिल्कुल यहीं रहती हूँ, सो इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। इंशाल्लाह आई हैव माई फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं आप लोगों से कई सालों से कह रही हूँ कि इतने वक्त के बाद जब मैं बड़े पर्दे पे आऊँ तो आपको खुशी होनी चाहिए, आपको देख के लगना चाहिए ये बात, नाउ शी इज़ बैक एंड वी रियली लाइक हर इन दिस, सो इंशाल्लाह दिस ईयर वी शुड मेक दैट हैपन। हैव यू गॉट एनी प्रोजेक्ट टिल नाउ? Hush, 145. बहुत दिनों के बाद आप हमें दिखाई दे रही हैं। थैंक यू। 145. मैं बहुत खुश हूँ 145 में आकर, क्योंकि सनी इज़ अ क्लोज फ्रेंड बहुत सालों से, और फरहान और मुझे बहुत कम चांसेस मिलते हैं बाहर निकलने का, क्योंकि निकाइल हमारा बेटा जो है अभी 3 साल का हो गया, इतना मस्ती करता है, तो उसको सुला के फिर इट्स फन टू यू नो गेट आउट, एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई होप इट्स सुपर ऑसम, और बहुत मज़ा आया यहाँ आकर, सो लुकिंग फॉरवर्ड। हाँ, इस तरह से जब रेस्टोरेंट या बार में हम हाल फिलहाल में आपने देखी यंग कमर की बहुत अच्छी लगी? आई थिंक आलिया इज़ रियली गुड, यू नो कंगना इज अमेजिंग, प्रियंका इज डूइंग सो वेल, दीपिका इज रियली फैबुलस, ऑल ऑफ देम आर सो सो गुड, सो आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट। चलिए, थैंक यू।